सुप्रभात, मैं आज आपकी कक्षा अध्यापिका आपको हिंदी वर्णमाला के व्यंजन छ के बारे में बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले हम आज की दिनांक यानी तिथि डेट डालेंगे और आज का दिन जो कि वीरवार है वो लिखेंगे। आज के दिनांक है 2/3/23.7.2020। उसके नीचे हम कक्षा कार्य भी लिखेंगे। यह है व्यंजन छ। व्यंजन छ, अब हम व्यंजन छ से शुरू होने वाले और शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि छ, छ से छड़ी, छ से छड़ी, यह लकड़ी की बनी होती है। छ, छ से छेद, छ से छेद, इसे हम मैथ्स का नंबर, यस, नंबर सिक्स भी कहते हैं। छ से छत, छ से छत, छत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यस, यस, छत को हम इंग्लिश में रूफ भी कहते हैं, जहां आप सब बच्चे खेलना बहुत पसंद करते हैं। छ से छत्ता, छ से छत्ता, क्या आपको पता है छत्ते में कौन रहता है? बिल्कुल सही, छत्ते में मधुमक्खी रहती है, यह मधुमक्खी का घर होता है। छ से छाज, छ से छाज, यह सफेद रंग की होती है और इसे मट्ठा भी कहते हैं। छ से छोले, छ से छोले, इन्हें हम चना भी कहते हैं और ये खाने में बहुत ही हेल्दी होते हैं। छ से छन्नी, छ से छन्नी, इसमें से हम चाय या दूध को छानते हैं। छ से छतरी, छ से छतरी, इसे हम इंग्लिश में अम्ब्रेला भी कहते हैं और जब बारिश आती है तो हम इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हमने व्यंजन छ से शुरू होने वाले बहुत से शब्दों को जाना। आप अपने मम्मा पापा के साथ और भी कुछ शब्दों को जानेंगे। अब हम व्यंजन छ को लिखना सीखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, हिंदी में 5 रेखाएं होती हैं। हम पहली छोड़कर दूसरी रेखा से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, देन लूप को ऊपर लेकर जाएंगे और नीचे लाएंगे। दोबारा से देखेंगे, एक छोटी स्टैंडिंग लाइन, देन ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे। इस तरह से हम व्यंजन छ को लिखने का अभ्यास करेंगे।